देश का कोरोना मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। बीते 24 घंटे में 28,637 नए मामले बढ़े हैं, जबकि इस दौरान 551 मरीजों की मौत हो गई। अगर आंकड़ों की बात करें तो मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 849,553 तक जा पहुंचा है, जबकि मौत के आंकड़े 22,674 तक जा पहुंचे हैं। इस बीच अच्छी खबर ये है कि 534,621 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में 7,827 नए मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख को पार कर चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय महाराष्ट्र में कोरोना के 2,54,000 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 10,289 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 92,000 को पार कर चुका है, जबकि शहर में अब तक 5,288 मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,573 नए मामले बढ़े हैं। दिल्ली में कुल मामले 1,12,400 के पार जा चुके हैं, जबकि 3,371 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 19,155 हैं। दिल्ली में इस समय कंटेनमेंट जोन 652 है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला किया है कि हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा, जबकि वाराणसी में आज से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, मॉल, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी सिर्फ शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, जबकि शुक्रवार और शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए पुणे में आज से 23 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेंगलुरु में कोरोना की बढ़ती दहशत को देखते हुए मंगलवार यानी 14 जुलाई से लॉकडाउन फिर लगाया जा रहा है, जो 22 जुलाई तक सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट जारी है। सचिन पायलट के बगावती सुर तेज हो चुके हैं। आज सुबह 10:30 बजे गहलोत सरकार ने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें सचिन पायलट ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया। आज तक से बातचीत में सचिन पायलट ने दावा किया कि उनके पास निर्दलीय विधायक समेत कुल 30 MLA हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर पायलट का समर्थन किया है और राजस्थान में पायलट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। सियासी ड्रामे के बीच कल रात 9 बजे गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई, वहीं हालातों को लेकर विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक के बाद पार्टी के विधायक किसी भी तरह की दरार से इनकार करते नजर आए। वहीं गहलोत खेमे ने 100 विधायकों के साथ होने का दावा किया। सबने मिलकर अशोक जी को कहा भी हम आपके साथ हैं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को पूरा बहुमत है। सब लोग सुबह से शाम तक गहलोत साहब के पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं और लगातार अपना समर्थन कर रहे हैं। दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह मजबूती के साथ में सरकार को दूर से दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं। कांग्रेस में फूट की खबरों के बीच पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली के नेताओं को सौंपी गई है। दिल्ली से कल देर रात रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचे, जहां विधायकों और पायलट के साथ संपर्क किया जा रहा है। तीनों ही नेताओं को भेजने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो सचिन पायलट से संपर्क में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। उपचुनाव से पहले एक और कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रद्युम्न लोधी मलहरा क्षेत्र से विधायक थे। इस्तीफा देने के बाद लोधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। श्री प्रद्युम्न सिंह जी लोधी फिर से मेरे पास उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, जो रात को मैंने आपको इस्तीफा दिया था उस पर मैंने पूर्ण विचार कर लिया है और मैं इस्तीफे की पुष्टि करता हूँ। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। अब मैं विधायक के हैसियत से कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उससे पहले लोधी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ उमा भारती से भी मुलाकात की थी। बीजेपी की सदस्यता लेते ही प्रद्युम्न सिंह लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। प्रद्युम्न लोधी के इस्तीफे के बाद अब मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होगा। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद हार्दिक पटेल पहली बार
लेवा पटेल की कुलदेवी खोड़ियार माताजी के मंदिर खोडलधाम पहुंचे। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कुलदेवी के आगे शीश झुकाया और शुक्रिया कहा। कुलदेवी की पूजा के बाद हार्दिक पटेल ने 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हार्दिक पटेल ने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई और कहा कि गुजरात के 16,000 गांव में घर घर जाकर वो लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बांदीपुरा में वसीम बारी के घर पहुंचे। शेख वसीम बारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, जिनकी 4 दिनों पहले आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बीजेपी के नेताओं ने वसीम बारी के परिजनों से मुलाकात की और पार्टी की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। परिजनों से मुलाकात के बाद राम माधव ने कहा कि बांदीपुरा में जिसने पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को मार दिया, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। बारी के परिजनों से मुलाकात करने के बाद बीजेपी नेताओं ने कश्मीर के आईजी विजय कुमार से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। वसीम बारी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हरियाणा की सियासत और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा होने के कयास हैं। पिछले हफ्ते दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। लेफ्ट के बाद बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ सड़क सुधारों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दुर्गापुर में बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों ने सड़क पर जल जमाव वाली जगह पर धान की रोपनी की और विरोध जताया। बीजेपी किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे अनसुनी की जाती हैं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कोरोना से जूझ रहे महानायक अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे बाद ट्वीट कर उन्होंने फैंस का धन्यवाद किया, जो उनके लिए देश भर में प्रार्थना कर रहे हैं। नानावती अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है। उन्हें और अभिषेक को एक ही फ्लोर पर रखा गया है। दोनों पिता पुत्र के कमरे अगल बगल में हैं। हालांकि दोनों को मिलने से रोका गया है। घर के सभी लोग फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में हैं। अभिषेक बच्चन को कोरोना के हल्के लक्षण हैं, जबकि चलने में अमिताभ बच्चन को सांस की थोड़ी परेशानी देखने को मिली है। डॉक्टर लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। बिग बी के परिवार पर भी कोरोना ने प्रहार किया है। बेटे अभिषेक बच्चन के अलावा बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या को कोरोना संक्रमण है। उनकी रिपोर्ट रविवार दोपहर को पॉजिटिव आई। आराध्या और ऐश्वर्या को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है। उन्हें घर पर ही क्वारंटीन किया गया है, जबकि जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। अमिताभ की बेटी श्वेता नंदा, उनके बेटे अगस्त्य नंदा और बेटी नव्या नवेली नंदा की रिपोर्ट भी जया की तरह नेगेटिव आई है। उन्हें भी होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। बच्चन परिवार के संपर्क में आए 54 लोगों में से 30 का कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आएगी। अमिताभ के 4 बंगले जलसा, प्रतीक्षा, वत्स और जनक को सील कर दिया गया है। बीएमसी ने सैनिटाइज करने के बाद वहां पोस्टर लगा दिए हैं। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। उनके गृह जिले प्रयागराज में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। बचपन में कई साल अमिताभ बच्चन ने प्रयागराज में गुजारे थे। इंदौर में अमिताभ बच्चन फैन क्लब के बड़े फैन मुन्नालाल पाल ने उपवास रखा है। वो हर साल 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के बर्थडे का केक 25 साल से काटते आ रहे हैं। उन्होंने अपने घर का नाम भी प्रतीक्षा रखा है। विकास दुबे और पुलिस की सांठगांठ की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। रविवार को एसआईटी बिकरू गांव और शिवली थाने पहुंची। एसआईटी ने शिवली थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के अलावा शिवली निवासी ललन वाजपेयी सहित कई अन्य लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने विकास दुबे से संबंधों को लेकर विवादों में रहने वाले चौबीपुर थाने में भी जांच पड़ताल की है। चौबीपुर थाने के पुलिसकर्मी या तो लाइन हाजिर हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी विकास दुबे की संपत्ति की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे और उसके करीबी जय वाजपेयी के पास कानपुर, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा उत्तराखंड, मुंबई और नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट और मकान हैं। जय वाजपेयी ने दुबई और बैंकॉक में करीब 25 करोड़ के 2 आशियाने खरीद रखे हैं। माना जा रहा है कि जय वाजपेयी कानपुर का एक बड़ा उद्योगपति है और विकास दुबे के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग भी विकास के पैन नंबर के जरिए जानकारी खंगालने में जुट गई है। पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे के मुख्य सहयोगी माने जा रहे गुड्डन त्रिवेदी को कानपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। कानपुर ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिकरू कांड में गुड्डन त्रिवेदी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जिसकी तलाश में यूपी पुलिस ने देश भर में पोस्टर चस्पा किए थे और अखबारों में उसकी फोटो छपवाई गई थी। गुड्डन त्रिवेदी को थाने से मुंबई एटीएस ने एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया था। मुंबई कोर्ट ने उसे 21 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
विकास दुबे की मौत के बाद अब वो लोग खुलकर सामने आने लगे हैं जो उसके डर से चुप बैठे थे। कानपुर सर्किट हाउस में ऐसे तमाम लोगों ने SIT अधिकारियों से मुलाकात की। इन लोगों में संतोष शुक्ला और प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे के परिजन भी शामिल थे, जिसकी हत्या का आरोप विकास दुबे पर है। SIT से हत्या के मामलों में दोबारा जांच की मांग की गई है। विकास दुबे के आतंक का शिकार हुए पीड़ित हत्या के मामलों में उनके साथियों को सजा दिलाना चाहते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर जांच में जुटी SIT ने कानपुर के सर्किट हाउस में घायल पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक कार्टून फिल्म वायरल हो रही है। इस कार्टून फिल्म में दिखाया गया है कि 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास ने उज्जैन में सरेंडर किया था। इसके बाद जैसे ही उसने पुलिस के साथ कानपुर में कदम रखा, उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी से मीडिया के सवाल जवाब के जरिए पुलिस पर तीखा व्यंग किया गया है। दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों ने एक गार्ड की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बदमाश एक स्टील फैक्ट्री में चोरी के इरादे से घुसे थे। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 बदमाशों ने हमला किया था। पिछले कुछ दिनों में इलाके में लूट, हत्या और स्नैचिंग की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वारदात रात करीब 1:30 बजे हुई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। राजस्थान के बूंदी शहर में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। प्रेमलाल नाम का ये युवक अपने घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन उसका शव सब्जी मंडी में पड़ा मिला। मृतक युवक के शरीर पर चाकू के गहरे घाव मिले हैं। पुलिस ने वारदात की जगह से चाकू और एक बाइक बरामद की है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश में हत्या का शक जताया जा रहा है। गाजियाबाद में बदमाशों ने लॉकडाउन के दौरान एक रिटायर्ड चिकित्सक के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो पर हाथ साफ कर दिया। वारदात प्रताप विहार इलाके में हुई। बदमाश गाड़ी का शीशा तोड़कर नई नवेली स्कॉर्पियो उड़ा ले गए। घर के बाहर लगे CCTV में वारदात की तस्वीरें कैद हुई हैं। CCTV फुटेज में एक युवक नजर आ रहा है जो कुछ ही मिनट में कार लेकर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस के मुताबिक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायसेन जिले में बाड़ी थाना पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर से 29 पेटी शराब जब्त की है। कार पर BJP युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष नौरथ सिंह धाकड़ के नाम की प्लेट लगी हुई थी। कार सुल्तानपुर से बरेली जा रही थी। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 1,00,000 रुपए से ज्यादा है। जांच में पता चला है कि गाड़ी प्रेम शंकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेकिंग के दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बीजेपी नेता भी शराब पकड़े जाने के बाद से फरार है। इंदौर में 4 साल के बच्चे को बंधक बनाकर लूट के मामले में पुलिस ने कॉलोनी के गार्ड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात 8 जुलाई को अन्नापूर्णा थाने इलाके में हुई थी। पुलिस के मुताबिक गार्ड ने ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। गार्ड की सूचना पर जब पुलिस सुपर कॉरिडोर रोड पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, तो बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 30,000 के इनाम की घोषणा की गई है। बिहार के हाजीपुर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस टीम ससुराल में महिला के साथ मारपीट की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची थी। पुलिस को देखकर आरोपियों ने उल्टा मारपीट शुरू कर दी और पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ा। मौके से भागते वक्त भी पुलिस की जीप पर हमला किया गया। अब पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कर रही है। लुधियाना STF ने करीब 3 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। हेरोइन के साथ जज के स्टेनो और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल STF ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे की एक खेप कहां से आई और कहां सप्लाई के लिए जा रही थी, इस मामले में और कौन कौन शामिल है। पंजाब के अमृतसर में रेलवे फाटक न खोलने पर 2 युवकों ने गेटमैन का हाथ तोड़ डाला। घायल गार्ड को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत के बाद GRPF ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने वाली थी, इसलिए राकेश कुमार ने गेट खोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन युवक जिद पर अड़े रहे। पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद इन्होंने गार्ड पर हमला कर दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी बदमाशों के हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। बुलंदशहर में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम पर बदमाश के परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने हमला कर दिया। जमकर पथराव और फायरिंग की गई। सादा कपड़ों में पहुंचे टीम के सदस्य किसी तरह उस इलाके से वापस निकल आए। पुलिस ने SOG की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। WHO के मुताबिक अब हर रोज करीब 2 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल कोरोना के मरीजों की संख्या 1,29,00,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 5,70,000 के करीब लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका अब भी पहले नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा करीब 34,00,000 पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 18,50,000 के करीब है। अब तक मास्क का इस्तेमाल करने से बचते रहे डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार मास्क का इस्तेमाल करना ही पड़ा। कोरोना महामारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार सार्वजनिक तौर पर फेस मास्क में नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप घायल सैनिकों को देखने के लिए वॉल्टर रीड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गहरे रंग का फेस मास्क पहन रखा था। ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जब आप अस्पताल में होते हैं, खासकर उस वक्त जब आप बहुत सारे सैनिकों से बात कर रहे होते हैं, तो मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है। कोरोना संकट ने दुनिया के कई देशों की कमर तोड़ रखी है। बोलीविया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ अस्पतालों में मरीजों को रखने की जगह नहीं है। वायरस के बढ़ते स्पीड के बीच हालात बेकाबू हो रहे हैं और अब सड़कों पर लाशों का ढेर नजर आ रहा है। कोरोना महामारी के बीच इजराइल में एक साथ कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉकडाउन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर लोग तेल अबीब की सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों और रवैये पर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महामारी के बीच आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे लेबनान में हिंसा और प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी बेरूत में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर लगे सुरक्षा घेरों को तोड़ने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और अमेरिकी झंडे जलाए। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने पानी की बौछार की। कोरोना काल के बीच सिंगापुर में हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री ली सिएंग लुंग्स की पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी दोबारा सत्ता में काबिज हो गई है। पीएपी ने 93 में से 83 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं विपक्षी वर्कर्स पार्टी को मात्र 10 सीटें मिली हैं। ब्राजील में कोरोना संकट के बीच समंदर तट पर लोगों की बड़ी तादाद मौज मस्ती के लिए उमड़ रही है। रियो के बीच पर एक जोड़े ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस जोड़े ने कोरोना से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों वाले पोशाक पहन रखे थे और स्पेस वॉक जैसा नजारा पेश कर रहा था। अमेरिका में फ्लोरिडा के ओरलैंडो में वॉल्ट डिज्नी पार्क को फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए यहां फेस मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। साथ ही लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।